और गाइस हाँ, फ्री में हम आपको एक सलाह दे रहे हैं कि कभी किसी के भरोसे कोई काम मत करना। तो गाइज ये है मेरा सेटअप। ये एक सॉफ्ट लाइट है, ये दूसरी सॉफ्ट लाइट है, ये देखो पूरा सेटअप। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर आना चाहते हैं। अगर हाँ तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो बाबू? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे पास कोई साधन या सुविधा नहीं है? तो गाइस ऐसा सोचना बिल्कुल अभी से बंद कर दो। आपके पास मोबाइल है ना मोबाइल? अब आप ये बोलोगे कि हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है। तो अच्छा मोबाइल और बुरा मोबाइल कुछ नहीं होता है। लगभग सारे मोबाइल में कैमरे, अब थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा है, नहीं तो लगभग मोबाइल के कैमरे एक से होते हैं। तो अच्छा बुरा ये सब नहीं चलता है। यूट्यूब पे वीडियो डालना है आपको, कंटेंट डालना है, कंटेंट काम करता है। आप ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, है ना? अरे भाई मोबाइल कैसा भी हो, है तो मोबाइल, बस उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आजकल सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल ही होते हैं। तो फिर क्या है, बस आपका काम हो गया और बाकी जो तैयारियां हैं वो आपका भाई करवा देगा। सबसे पहली चीज़ कैमरा आपके मोबाइल में है ना? और अब कैमरा हो गया आपके पास, अब इसके बाद चाहिए आपको एक सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है एक माइक की, अच्छे माइक की या ठीक ठाक माइक की। तो वीडियो रिकॉर्डिंग माइक के लिए आप मेरे चैनल पर जाएं और ये थंबनेल देख रहे हैं ना, ये वीडियो देखें और फटाफट 40-50 रुपये में माइक बना लें। और गाइस इसके बाद चाहिए आपको ट्राईपोड। तो ट्राईपोड के लिए फिर से ये थंबनेल लगा दिया है मैंने, ये वीडियो देखें और आप चैनल पर जाएंगे तो ट्राईपोड के 2-3 वीडियो मिल जाएंगे। तो उसमें आप सेल्फी स्टिक वाला पॉट बना सकते, ट्राईपॉड बना सकते हैं, सेल्फी स्टिक बना सकते हैं, टेबल पे फिट करने वाला गोरिल्ला ट्राईपॉड बना सकते हैं। तो आप चैनल पे एक बार पहुंच जाएंगे तो लगभग आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और गाइस जैसे मेन मेन चीज़ होती है टेबल, सॉफ्ट लाइट, मोबाइल स्टैंड या सॉफ्ट लाइट स्टैंड, तो आप मेरे जब चैनल पे जाएंगे तो आपको ये हम थंबनेल लगाते जा रहे हैं, आप देखते जाएं, ये सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और आप घर बैठे बड़ी आसानी से, मतलब आपके पास जो कबाड़े में चीज़ें पड़ी रहती हैं उन चीज़ों से आप टेबल बना लेंगे, ट्राईपोड बना लेंगे, सॉफ्ट लाइट बना लेंगे, सॉफ्ट लाइट स्टैंड बना लेंगे, मोबाइल स्टैंड बना लेंगे। और फिर क्या है, आप अपना बढ़िया चैनल बनाइए और अपने टैलेंट को दिखाइए। और आप ये मत सोचिए कि मैं क्या दिखाऊंगा, कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज़ मेरा मानना है कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी A to Z जो भी टैलेंट है, आप उस टैलेंट को वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर डालिए। एक ना एक दिन आपका टैलेंट उभर के सामने आएगा और लोग उसको पसंद करेंगे और आपकी लाइफ सेट, ये मेरा आपसे दावा है। और गाइज हाँ एक चीज़ और, आपको यूट्यूब पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब ही आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना? YouTube पे आपको केवल सर्च करना है, मुंह हिलाना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, उसके 1000 वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो भी आप प्रॉब्लम का वीडियो सर्च करेंगे उसके 1000 वीडियो मिल जाएंगे। तो हो गया ना आसान? और गाइज विश्वास करो, मैंने भी अपने चैनल की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही की थी। मुझे भी कोई कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी है या कहीं से कुछ हमें स्पेशल ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। मैंने YouTube पर जाके सारी चीज़ें YouTube से ही सीखी हैं और आज YouTube पे अपना चैनल बना के लगभग मैं मोनेटाइज की गाइडलाइन क्रॉस कर चुका हूँ। और गाइज ट्रस्ट मी, अभी हम आपको अपना सेटअप दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में। आप विश्वास करो, मैंने कभी 1 रुपये खर्च नहीं किया, कोई भी चीज़ खरीदी नहीं है, सारी चीज़ मैंने बनाई है खुद से घर पे और वेस्टेज मटेरियल से बनाई है। और सारे वीडियो मैंने बना के यूट्यूब पे अपलोड भी किए हैं। और गाइज जो भी मैंने जुगाड़ करके, सेटिंग करके, जो भी आइटम बनाया है वो सारे आइटम मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ। और जब तक
वो सारे आइटम चलेंगे, तब तक मैं उनका यूज़ करूँगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं उन्हीं सारी चीज़ों से, उसी सेटअप से मैं ये कर रहा हूँ आज भी। ये आप पैन देख रहे हैं ना, ये पैन नहीं है, ये माइक है ये, और इसी की आप आवाज़ सुन रहे हैं। ये मेरा बनाया हुआ माइक है, ये देखिए ये। और गाइस, बिना किसी लागत, बिना किसी खर्चे के आज मैं चैनल के मोनेटाइज होने की गाइडलाइन क्रॉस कर चुका हूँ, वॉच टाइम भी कंप्लीट कर चुका हूँ। बस मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तब मैं अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करूँ। तो गाइस, लास्ट में बस यही कहूँगा कि अगर आप अच्छा भविष्य चाहते हैं कि नौकरी के चक्कर में ना रहूँ, मुझे कहीं किसी की जी हजूरी ना करना पड़े। और गाइस, एक बात और है, किसी भी देश की सरकार 100% जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो उसके लिए अपन को कुछ ना कुछ तो अलग से करना है। तो हम बेहद ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि आप YouTube पे आएँ, आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होगा। मेरा विश्वास है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। YouTube पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और बस लाइफ सेट, ना किसी की जी हजूरी, ना किसी का रिस्ट्रिक्शन। और गाइस, हाँ, फ्री में हम आपको एक सलाह दे रहे हैं कि कभी किसी के भरोसे कोई काम मत करना। जो भी करो YouTube पे, तो आप सेल्फ करना, और जैसा हो जाए तब किसी को एम्प्लॉय भले रख लेना, लेकिन किसी के भरोसे रह के कोई काम नहीं करना, नहीं तो आप YouTube पे काम नहीं कर पाओगे। और गाइस, जैसा कि मैं अभी पहले बोल चुका हूँ कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन YouTube पर है, बढ़िया सर्च करो और अपने सॉल्यूशन निकालो और उसको सॉल्व करो। और गाइस, इसके बाद भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आपकी हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। और गाइस, हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत से फ़ौरन जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें टर्न करके, और उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लें। और गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चैनल पर नए हैं और फ्री, मेरे चैनल पे 2-4 महीने में ड्रा निकलता है, उसमें अगर फ्री आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसकी गाइडलाइन ये है कि आपको आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को सारे वीडियो को लाइक करना होगा और सारे वीडियो पे ही कमेंट करना होगा, तो आप बिल्कुल निशुल्क मेरे ड्रा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और फ्री में गिफ्ट पाने के हकदार बनेंगे। तो गाइज, ये है मेरा सेटअप। ये एक सॉफ्ट लाइट है, ये दूसरी सॉफ्ट लाइट है, और ये हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब स्टैंड बोल लो या ट्राईपोड बोल लो, जो भी बोलना है। तो ये सारा सिस्टम है। ओके गाइज, और ये मेरी एक्सपेरिमेंटल टेबल है। तो ये सब मैंने घर पे ही बनाया है, और लगभग जुगाड़ जुगाड़ के सामान से बनाया है। और यहाँ पीछे से दिखा देते हैं, ये देखो पूरा सेटअप। तो समझ गए ना गाइस? ओके, तो गाइस, इसी के साथ करते हैं वीडियो ख़त्म। ओके, बाय बाय।